नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं राहुल गांधी के नए तेवर को लेकर। जी हां, राहुल गांधी का जो नया तेवर नजर आ रहा है वो तेवर कहीं ना कहीं पीएम मोदी की मुसीबतें बढ़ा रहा है। दरअसल राहुल गांधी के इस तेवर की वजह नरेंद्र मोदी तो नहीं। जी हाँ, एक खबर आई है, रिपोर्ट आई है, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह की बात यहाँ पे कही गई है। देखिए, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में राहुल गांधी का भाषण सुनकर ऐसा ही लगा मानो कांग्रेस का वक्त अब बदलने वाला है। करीब 45 मिनट के भाषण में राहुल गांधी पूरी तरह अपनी पुरानी छवि से अलग नजर आए। सही बात यहाँ पर बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त को बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। और अगर मैं बात करता हूं पार्टी की, तो बिल्कुल सही बात है कि पार्टी में कब क्या बदलाव हो जाए और कब जनता का मूड बदल जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। देखिए, भारतीयों की एक दिलचस्प आदत है, इन्हें वही नेता पसंद आता है जो लक्ष्यदार भाषण दे सके। लुभावनी बातें, वादे, कटाक्ष लेकर, इन सब की वजह से ही ऐसी मतदाता खुद को किसी भी नेता से जोड़ पाते हैं। 18 मार्च 2018, राहुल गांधी का भाषण ना सिर्फ कांग्रेसी नेताओं बल्कि उनके समर्थकों के लिए बेहद यादगार रहेगा। अगर मैं बात करूं कि अभी तक अपने तमाम बयानों के लिए आलोचना का शिकार हुए राहुल गांधी के लिए कभी लिए भी यह अनुभव ही अलग होगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिस तरह से केंद्र को आड़े हाथों लिया, वह पहले से अलग था। आखिर ऐसा क्या कहा राहुल ने, हम आपको बता देते हैं। देखिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी के भाषण में नरेंद्र मोदी का अंदाज नजर आया। नरेंद्र मोदी जिस तरह से आम लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं वह लाजवाब होता है, बात चाहे नोटबंदी की हो या जीएसटी की। नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो जनता को उनकी हर बात सही लगती है। देसी टच, मजाकिया लहजा और कटाक्ष, नरेंद्र मोदी के इसी अंदाज को कुछ हद तक राहुल गांधी ने भी खुद में उतारने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि वो इसमें पूरी तरह कामयाब हो गए, लेकिन इस भाषण में शुरुआत तो हो गई। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत करते ही यह साफ कह दिया कि वह अंग्रेजी और हिंदी में बोलेंगे। अंग्रेजी इसलिए ताकि दक्षिण भारतीय नेता उनकी बात समझ पाए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, और हिंदी इसलिए ताकि आम जनता तक उनकी बात पहुंच सके। अपने भाषण के शुरुआती ही राहुल गांधी ने बीजेपी की तुलना कौरव और कांग्रेस की तुलना पांडव से करते हुए कहा कि उन्होंने हर हाल में कांग्रेस की सच्चाई के लिए वो लड़ते रहेंगे। देखिए, बीजेपी की तुलना कौरव और कांग्रेस की तुलना पांडव से की। यूपी सरकार जब शासन में थी, ये कहना है राहुल गांधी का, तब कोलगेट 2G जैसा कई घोटाले के बजाय कांग्रेस को बार बार आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने भी कई बार अपने भाषणों में कहा कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार कांग्रेस की कमजोर कर ली रही है, लेकिन राहुल गांधी ने अब इस मामले में भी झुकते हुए नजर कह सकते हैं कि नजर नहीं आए। नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने जिस दृढ़ता के साथ यह भरोसा दिलाया कि वह सच्चाई के लिए लड़ेंगे, वो अंदाज पहले से अलग था। एक खास बात राहुल गांधी के भाषण में नजर आई जो आमतौर पर किसी नेता के भाषण में नहीं होती। उन्होंने कहा, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं जबकि बीजेपी नहीं। यह कहकर राहुल गांधी ने पूरी बहस को एक नई दिशा दे दी। 6 महीने पहले वक्त भी कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता था कि कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है। अभी तक के नतीजे तो कांग्रेस के लिए निराशाजनक ही हैं। आगे क्या होगा यह भी किसी को पता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने ताल ठोक कर 2019 में जीत का दावा जरूर कर दिया है। देखिए, एक बात उन्होंने बहुत ही दिलचस्प बात कही, उन्होंने कहा कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं जबकि बीजेपी नहीं, यानी कि बीजेपी गलतियां करती है और सीख नहीं लेती है। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस गलती करती है तो सीख भी लेती है। यूपी के गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में दोनों कांग्रेस उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। कांग्रेस की कल जैसी आपको मैं बता दूं कि हालत थी, वैसे ही आज भी है। बदले में है तो सिर्फ राहुल गांधी। अब यह बदलाव कांग्रेस को आने वाला कल कैसा दिखता है, यह अभी भविष्य की परतों में छिपा है। देखिए, मजाक के लहजे में कटाक्ष भी किया उन्होंने। नरेंद्र मोदी जब भी अपना भाषण देते हैं और राहुल गांधी का जिक्र
वो तो शहजादा कहकर ही संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब भी अपना भाषण देते हैं तो राहुल गांधी का जिक्र वो शहजादा के रूप में करते हैं। आज बारी राहुल गांधी की थी, उन्होंने किसानों की मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहा, भूख से परेशान किसानों को पीएम मोदी कहते हैं, चलो इंडिया गेट पर योग करते हैं। किसानों की दिक्कतों को योग से जोड़कर राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि अब ना तो पहले की तरह है और ना उनके भाषण का अंदाज, यानी कि कितना कुछ बदल चुका है ये उनके भाषण में देखने को भी मिला। देखिए, नरेंद्र मोदी के भाषण में एक खासियत होती है, वह अपने जीवन की कहानी और अनुभव सुनाते रहते हैं। इस बार राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया। हो सकता है कि पहले भी किसी मौके पर उन्होंने कहानी सुनाई हो, लेकिन उनके अंदर जो आत्मविश्वास था और वो विश्वास उनकी कहानियों में भी नजर आया। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव के दौरान जब वह मंदिर गए थे तो पंडित ने कहा था कि आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये जो छत है इसे सोने का बनवा दीजिए। एक और किस्सा, किस्सों और वादों की हकीकत का पता तो अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इतना तो नजर आ रहा है कि कई झटकों के बाद राहुल गांधी अब संभलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिली है, और वाकई में ये चीज अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से राहुल गांधी की एक अलग छवि बन गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि कांग्रेस अब की बार 2019 का लोकसभा चुनाव जीतेगी, उनकी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर मैं बीते साल गुजरात की ही बात कर लेता हूं, तो गुजरात में जिस तरह की पटखनी कांग्रेस ने बीजेपी को दी थी, उससे एक बात तो साफ हो गया कि बीजेपी अब कह सकते हैं कि अब जो है निशाने पर आ चुकी है और बीजेपी की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने पटखनी दी थी बीजेपी को, आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने जिस तरह का चुनाव प्रचार किया था गुजरात में, उसका बहुत बड़ा फायदा राहुल गांधी को मिला। भले ही गुजरात में कांग्रेस चुनाव हार गई थी, लेकिन लोगों का तो यही कहना था, हार कर भी जीता है कांग्रेस ने, और हार के जो जीतते हैं उन्हें ही बाजीगर कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिला था, राहुल गांधी की तारीफ की गई थी। पीएम मोदी की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए गुजरात में जिस तरह का प्रदर्शन रहा बीजेपी का, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा प्रदर्शन रहेगा। और जिस तरह पीएम मोदी अगर अपने ही गढ़ में हार जाते तो बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं बीजेपी की किरकिरी होती और नाक का सवाल था और नाक कट जाती पीएम मोदी की। लेकिन जिस तरह का नतीजा हुआ, जिस तरह का दोनों के बीच, बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान हुआ, उससे एक बात तो अंदाजा लग ही गया है कि राहुल गांधी को अब ट्रिक पता चल गई है कि चुनाव कैसे जीतना है और कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। और कहीं ना कहीं देखिए, राहुल गांधी जिस तरह उनके अंदर एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिस तरह की एक्टिवनेस है, जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा वर्ग के लोग उन्हें पहले सुनना पसंद नहीं करते थे और मजाकिया लहजे में उनपे जो है कटाक्ष भी किया करते थे, अगर मैं बात करूं, लेकिन अब वही युवा वर्ग के लोग उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं और उनकी बातों को ध्यान से भी सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेता पहले राहुल गांधी पर कटाक्ष करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब वही नेता 10 बार सोचते हैं मजाक उड़ाए कि नहीं उड़ाए। तो देखिए, स्थिति अब यहाँ तक आ चुकी है, स्थिति बदल चुकी है और अब की बार जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो वाकई में अपने आप में बहुत अलग है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने जिस तरह कांग्रेस के महाधिवेशन में जो भाषण दिया, वो भाषण दिखाता है कि राहुल गांधी कितनी जिम्मेदार हो गए हैं। उनकी बातों से साफ तौर पर पता चला उनके अंदर कितनी गंभीरता नजर आ रही है। और साफ तौर पर उन्होंने दो बातें कहकर सभी लोगों का दिल भी जीत लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर गलती करती है तो गलती करने के बाद सीख भी लेती है, लेकिन बीजेपी गलती करती है और सीख नहीं लेती है। उनका निशाना कहीं ना कहीं नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी जैसे उद्योगपतियों पर था। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गए, विजय माल्या ने घोटाला किया और इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों ने घोटाला किया, घोटाला करने के बाद विदेश फरार हो गए और सरकार ने कोई सीख नहीं ली। तो साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह की छवि राहुल गांधी के अंदर नजर आ रही है और जिस तरह से पीएम मोदी को टक्कर दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अलग बात है और उनकी छवि बहुत अलग ही दर्शाता है। यानी कि राहुल गांधी भले ही जो है कांग्रेस अभी उतनी स्टैंड नहीं कर पाई है और भले ही कांग्रेस जो है अभी उस पायदान पर नहीं है, लेकिन जिस तरह का
भाषण राहुल गांधी ने दिया था वो भाषण कहीं ना कहीं लोगों के जहन में पहुंच चुका है, और जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई, तो कहीं ना कहीं 2019 का समीकरण कुछ और ही होने वाला है, 2019 का समीकरण तो बदलने वाला है। अगर मैं बात करूं बीजेपी सरकार की, तो सरकार की 4 साल हो चुके हैं सरकार को, लेकिन सरकार ने कोई वायदा पूरा नहीं किया है, और वायदा पूरा नहीं करने की वजह से ही सरकार को झटका भी लग रहा है। अगर सरकार अपना वायदा पूरा नहीं करती है, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, किसानों को लेकर, व्यापारियों को लेकर जो वायदे उन्होंने किए थे, अगर वो पूरा नहीं करती है, तो वाकई में 2019 में अब की बार बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, और अब की बार कुछ भी हो सकता है, यानी कि अब की बार पासा पलट सकता है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।